हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर कच्चे कीमे से बनने वाले छोटे छोटे समोसे और रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। इनको बनाना बहुत ही आसान है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने 1 किलो बकरे का कीमा लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर के साफ कर लिया है और एकदम अच्छे तरीके से मैंने इसके पानी को भी निचोड़ लिया है। अब कीमे को देखिए, हम मिक्सी की हेल्प से इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लेंगे। अब इसको हम किसी बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, ये 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च है, ये 1 चम्मच सिके हुए जीरे का पाउडर है, ये 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर है, ये 1 चम्मच सादा नमक है, 1/2 चम्मच काला नमक है। इसमें मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अभी देखिए, मैंने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है और करीब 12 से 15 लहसुन कली लिए हैं। इनको इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। ये लहसुन अदरक को भी इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहो तो लहसुन अदरक को कम ज्यादा या फिर स्किप भी कर सकते हो। इसमें 1 बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे। ये मैंने 100 ग्राम पत्ते की प्याज ली है, इनको देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। ये प्याजों को भी इसी में डाल देंगे। अब इसमें अपने पसंद के हिसाब से बारीक कटे हुए हरा धनिया डालेंगे। अभी देखिए, मैंने करीब 15 से 20 काजू लिए हैं और 15 से 20 मैंने बादाम लिए हैं और 1 टुकड़ा खोपरे का लिया है। इनको देखिए इस तरीके से रफली कट कर लिया है, तो इनको भी इसी में डाल देंगे। अभी देखिए, मैंने 3 हरी मिर्च लिए हैं, इनको इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्चों को भी इसमें डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किचन का कुछ भी काम करने से पहले हाथों को अच्छे से धो लें। मैंने हाथों को अच्छे से धो लिया है। अगर आपको लगे कि आपका कीमा पतला है, इसमें पानी रह गया है, तो आप इसमें जरूरत के हिसाब से ब्रेड क्रम्स या फिर सिका हुआ आटा या फिर सिका हुआ मैदा ऐड कर सकते हो। ये कीमे को और मसालों को देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ढककर हम साइड में रख देंगे। अब देखिए, इस कप से नाप करके हम 4 कप मैदा लेंगे। ये मैदे को बाउल में डाल देंगे। ये मेरा छना हुआ मैदा है। अगर आपका मैदा छना हुआ नहीं है तो आप इसको पहले छान लें। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से या फिर 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसी कप से नाप के इसमें 1/2 कप रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मोयन चेक करेंगे तो देखिए, मैदे की इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे। अगर ये मैदा इस तरीके से बंधने लग जाए तो समझ लें कि इसके अंदर मोयन परफेक्ट है। अभी देखिए, मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, उसका मीडियम सा डो लगा करके तैयार कर लेंगे। ये डो ना ही तो ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। इसका थोड़ा मीडियम सा डो लगा करके तैयार कर लेंगे। ये मैदे को भी देखिए, मैंने बढ़िया सॉफ्ट होने तक गूंद लिया है। अब इसको हम किसी भी दूसरे बाउल में रख देंगे। इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे, जिससे क्या है इसके ऊपर पपड़ी नहीं आए। अभी मैदे को भी ढक करके 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, जिससे क्या है मैदा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। ये मैदे को भी देखिए, मुझे ढककर रखे हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हाथों में हल्का सा सूखा मैदा लगाएंगे और ये मैदे में से हम बड़ा सा लोहा तोड़ लेंगे। मैंने इसी कीमे के मिश्रण से मैदे से एक रेसिपी और बनाई है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने 2 वीडियो बना दी है। अब इसका देखिए, इस तरीके से रोल बनाएंगे। अब इसमें सब अपनी पसंद के हिसाब से पीस कट कर लेंगे। अब इनके देखिए इस तरीके से पेड़े बनाएंगे। ये पेड़ों को बना बना करके साइड में रख लेंगे। वो देखिए, इस तरीके से पेड़ा लेंगे। इसमें हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे। अब इसके हम बेलन से पतली सी रोटी बेल लेंगे।
इसकी देखिए मैंने छोटी सी रोटी बेल ली है, अभी रोटी को हम बीच में से इस तरीके से कट करेंगे। अब इसके इस वाले कोने पर पानी लगाएंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब उंगली और अंगूठी की हेल्प से इसको देखिए इस तरीके से चिपका देंगे। अब इसके इस वाले कोने पर भी पानी लगाएंगे। अब हमने जो कीमा रेडी किया है, कीमे को इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से सेट कर देंगे। अब इसको देखिए उंगली और अंगूठी की हेल्प से इस तरीके से चिपका देंगे। ये हमारा मिनी समोसा बनकर के तैयार है। मैं आपके सामने एक समोसा और बना लेती हूँ। ये रोटी के इस कोने पे पानी लगाएंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। कोने को देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे, इसको उंगली और अंगूठी की हेल्प से देखिए इस तरीके से चिपका देंगे। अब इसके इस वाले कोने पर भी पानी लगाएंगे। अब हमने जो कीमा रेडी किया है, एक कीमे को इसमें ऐड कर देंगे। इसको देखिए इस तरीके से अच्छे से दबा करके सेट कर देंगे। अब इसको देखिए उंगली और अंगूठी की हेल्प से इस तरीके से चिपका देंगे। यह हमारा दूसरा समोसा भी बनकर के तैयार है। मैंने आपके सामने समोसे तो बना लिए हैं, अगर आप चाहो तो इसके रोल भी बना सकते हो। अब इसके रोल देखिए हम इस तरीके से बनाएंगे। इसकी पतली सी रोटी बेल लेंगे। अब हमने जो कीमा रेडी किया है, कीमे की देखिए इस तरीके से शेप देंगे। अब इसको रोटी के सेंटर में इस तरीके से रखेंगे। अभी रोटी को देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब रोटी के कोनों में पानी लगाएंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारा रोल भी बनकर के तैयार है। अब आप चाहो तो इसके समोसे या रोल कुछ भी बना लें, जो भी आपको सही लगे। अभी देखिए मैंने थोड़े से रोल और ये थोड़े से समोसे बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये ऑयल भी देखिए मीडियम गर्म हो चुका है, इसमें से हल्की सी हीट आने लगी है। अब इसमें समोसों को ऐड कर देंगे। जितने भी समोसे इसमें एक बार में आसानी से आ जाएंगे उतने ऐड कर देंगे। अभी समोसों को फ्राई करने के लिए हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करेंगे। अगर हम इनको फ्राई करने के लिए फ्लेम को हाई कर देंगे तो क्रिस्पी भी नहीं होंगे और कीमा भी अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये समोसों को इस साइड से फ्राई होते हुए करीब 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम पलट देंगे। अब इन पर सब तरफ से अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। इनको बीच में एक दो बार पलट देंगे जिससे क्या है सब तरफ से अच्छे से फ्राई हो। ये समोसे देखिए सब तरफ से बढ़िया फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। इसमें हम ये रोल को ऐड कर देंगे। जिस तरीके से हमने समोसे फ्राई किए हैं उसी तरीके से रोल्स को फ्राई कर लेंगे। अब इनको देखिए हम इस तरीके से सर्व करेंगे। मैं आपको समोसे को तोड़ के दिखाती हूँ। ये आपको आवाज से लग रहा होगा कितना बढ़िया एकदम क्रिस्पी हमारा समोसा बनकर तैयार हुआ है। देखिए
अब इनको देखिए हम इस तरीके से सर्व करेंगे। ये समोसों को तोड़ करके प्याली में डालेंगे। अब इस पर थोड़ा सा दही डालेंगे। ये मेरा एकदम फ्रेश दही है, दही को मैंने फेंट लिया है। इस पर थोड़ी सी इमली की मीठी वाली चटनी डालेंगे। अब इस पर थोड़ी सी हरी धनिया और हरी मिर्ची वाली चटनी डालेंगे। थोड़ा सा इस पर सिखा हुआ जीरा डालेंगे। ये थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये पहला बाइट आपके लिए। यकीन मानिए हमारे बहुत ही बढ़िया समोसे बनकर के तैयार हुए हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार समोसे और रोल जरूर बनाइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।